दोस्तों कैपिटल यूनिवर्सिटी पर हमने जो पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें यूनिवर्सिटी के बारे में आपको हमने कुछ बताया था, यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी डिटेल्स कहाँ कहाँ अपडेट है, यूजीसी पर क्या अपडेट है, उसके बाद हमसे स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा कि सर यूनिवर्सिटी कोर्स कौन कौन से करवाती है, कौन कौन से कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के पास हैं, क्योंकि यूजीसी पर तो यूनिवर्सिटी डिटेल मिलती नहीं है, वहाँ ज़्यादा अपडेट डिटेल है नहीं, इवन जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी कोई जिक्र नहीं है। वैसे बोलते कैपिटल यूनिवर्सिटी .edu.in इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है, पर काफी इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं है। तो कौन कौन से कोर्स ये यूनिवर्सिटी करवाती है, यूजीसी पर क्या स्टेटस है, कैसे यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट करें, और यूनिवर्सिटी कहां स्थित है, कैपिटल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों कैपिटल यूनिवर्सिटी जो कि झारखंड कोडरमा में यूनिवर्सिटी स्थित है, यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिस तरह से झारखंड में और भी 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसी तरह से एक और ये यूनिवर्सिटी है जो कि चलती है झारखंड में। आप अगर जाकर देखोगे यूनिवर्सिटी को यूजी की साइट पर जाकर, तो वहां 4th नंबर पे यूनिवर्सिटी आती है। ये रैंकिंग नहीं है, ये नाम में जो अल्फाबेटिकली यूनिवर्सिटी के नाम डले होते हैं उस तरह से नाम डला हुआ है। यहां पर जाकर देखोगे 2018 में यूनिवर्सिटी ये बनी थी। 18 में यूनिवर्सिटी बनने के बाद में यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स लेना शुरू कर दिया, एडमिशन लेती है, पर जब आप यूजीसी में ही जब मोर डिटेल पर क्लिक करते हो तो यहां कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन है नहीं यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी कॉन्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, वीसी इंफॉर्मेशन नहीं है, वाइस चांसलर की जो डिटेल्स होती हैं वो डालनी जरूरी होती है, अनिवार्य होती है, यहां पर नहीं है। साथ में ही रजिस्ट्रार डिटेल्स भी नहीं है, रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन यहां कुछ नहीं है, आपको यहां से कुछ देखने को मिलेगा नहीं। अब साथ में आते हैं यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन सी करवाती हैं। दोस्तों कोई भी यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी यूजीसी से एफिलेटेड है, यूजीसी ने उसको मान्यता दी है यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी चलने के लिए, तो जो कोर्सेज हैं सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी पीजी कोर्सेज, रिसर्च कोर्सेज, उनको यूनिवर्सिटी बिल्कुल चला सकती है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी डिग्री भी बिल्कुल वैलिड होगी। अब कोर्स कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटी बोलती है एग्रीकल्चर कोर्स चलाते हैं हम लोग, साथ में एग्रीकल्चर की बात अगर हम करें तो बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, आपने डिप्लोमास भी एग्रीकल्चर में देखे होंगे, हॉर्टिकल्चर भी कोर्स होता है, वो सब करवाती है यूनिवर्सिटी। एविएशन के कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। एविएशन का मतलब ये नहीं है कि हम पायलट की ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, कुछ हैं एविएशन के कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी करवाती है जैसा यूनिवर्सिटी का बोलना है। बिजनेस स्टडीज मतलब कि बीबीए और एमबीए यूनिवर्सिटी करवाती है ऐसा यूनिवर्सिटी का बोलना है। इंजीनियरिंग कोर्सेज करवाती है, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक। यूनिवर्सिटीज को एआईसीटी के अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, बट हां कॉलेज को मैंडेट होता है कि वो अप्रूवल लें। होटल मैनेजमेंट कोर्सेज करवाती है यूनिवर्सिटी, ह्यूमैनिटीज कोर्सेज करवाती है, जैसे कि बीएएमए आप करना चाहते हैं या फिर बीएएमए में ऑनर्स करना चाहते हैं तो भी इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन आप ले सकते हैं। आईटीसीएस एंड एजुकेशन, आईटीसीएस मतलब कि बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, साथ में एजुकेशन भी डाल दिया है तो आता है बीएड का। बीएड के लिए एनसीटी के अप्रूवल को देखना बहुत जरूरी है, अगर यूनिवर्सिटी के पास बीएड का अप्रूवल नहीं है तो आपको इस यूनिवर्सिटी से कोर्स करना ही नहीं चाहिए। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जिससे आप बीएड करने गए हैं और एनसीटी का अप्रूवल नहीं है, कोर्स मत करना, वैलिड नहीं होगा। मैनेजमेंट के कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, बीबीए एमबीए की बात कर रहे हैं यहां पर, मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज। यूनिवर्सिटी हो सकता है कुछ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज करवाती हो, ज्यादा इलेबोरेट तो यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, ज्यादा डिटेल्स में तो बात नहीं करी है। नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज, नेचुरोपैथी योगिक साइंसेज में भी कोर्सेज डिप्लोमा हो सकते हैं, कोर्सेज यूजी पीजी कोर्सेज हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है कितने बेडेड इनके पास है, सर्विसेज किस तरह से देते हैं, किस तरह से एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को, बहुत सारी चीजें होती हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, पैरामेडिकल की बहुत सारी लिस्ट है, इवन यूजीसी ने भी कुछ लिस्ट काफी यूनिवर्सिटीज को दी थी, हमने उस पर एक वीडियो बनाया भी था, आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे, पैरामेडिकल के बारे में बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। रिसर्च पीएचडी, रिसर्च सभी यूनिवर्सिटी करा सकती हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी करवाती हैं सिर्फ उनको यूजीसी का अप्रूवल चाहिए होता है, यूजीसी का अप्रूवल है तो यूनिवर्सिटी पीएचडी में एडमिशन ले सकती है, पीएचडी डिग्री वो अवार्ड कर सकती है। अभी तक यूनिवर्सिटी को 3 साल, मतलब पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो 3 साल लगभग हो गए हैं, बट अभी मैं नहीं मानता कोई भी पीएचडी का बैच कंप्लीट होकर अभी इस यूनिवर्सिटी से निकला होगा, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं 2021 खत्म ही हुआ है अभी, और ख़त्म ही हुआ है तो अभी मान लीजिए कि लगभग
कुछ 3.5-4 साल अभी यूनिवर्सिटी को नहीं हुए हैं, तो शायद पीएचडी का भी कोई बैच निकला नहीं होगा। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ यूजीसी होना चाहिए, यूनिवर्सिटी चल सकती है। बाकी कोर्सेज चलाने के लिए जो अच्छे कोर्सेज होते हैं उनके लिए अलग अलग बॉडीज बनी हुई हैं, अलग अलग काउंसिल बॉडीज हैं, वहाँ से अप्रूवल लेना होता है। अगर अप्रूवल नहीं है तो आप उन कोर्स को नहीं करा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के पास कुछ खास अप्रूवल नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड कुछ अप्रूवल्स हैं, और वो भी कोर्सेज भी लिमिटेड ही यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर अपडेट करती है कि हमारे पास यही कोर्सेज हैं। ज़्यादा अच्छे कोर्स की आप इनसे उम्मीद नहीं लगा सकते हैं फिलहाल, कि उनके पास अप्रूवल ही नहीं है। इवन यूजीसी पर भी अपडेट चीज़ें नहीं हैं। आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह का सवाल है, किसी भी तरह की डिटेल आप जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, अपने सवाल पूछें, और आप किस कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, या क्या ग्रेड देंगे आप इस यूनिवर्सिटी को इस वीडियो को देखने के बाद, उसका भी हमें आप व्यू अपना ज़रूर बताना, हमें उसका इंतजार रहेगा। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।